मीनाक्षी अस्पताल में 8 तारीख को जिस प्रकार से ताबड़तोड़ गोलियां चलती हैं, इन लोगों ने वो गोलियां चलाई थी, क्या इनके मंसूबे थे? पुलिस जो है लगातार छानबीन में लगी हुई है। यहाँ से पीजी खान पर जो है इनको यहाँ से ले जाया जाएगा और पुलिस की पूरी कस्टडी इन लोगों को मिलेगी। और दोबारा फिर इस एरिया में आने का मतलब है ये लोग कुछ न कुछ जो है दोबारा कुछ बड़ा करना चाह रहे थे। अभी यहाँ जो ये भी उम्मीद है कि हमारी जो टीमें हैं अभी भी जो काम बकाया है उसको जल्दी ही पूरा करेगी। तो बिल्कुल 8 तारीख को मीनाक्षी अस्पताल में 8 तारीख को कल हमें सूचना मिली थी कि वो दोनों लड़के करना जेल में भी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए जेल में आए हैं और हम इनके पते ठिकाने के मुकदमे मिल गए। हम जैसे ही वहाँ पहुँचे इन्होंने हमारी टीम के ऊपर फायरिंग कर दी। एक गोली गाड़ी थी जिस हिस्से में मारी थी। उसके बाद जब हमने इनके अपने बचाव में क्रॉस फायरिंग हुई, तीन गोलियाँ इन्होंने हमारे ऊपर चलाई, फिर हमारे मुलाजमों ने चलाई जो इसकी टांग। इससे पहले भी वारदातें कर चुके हैं सर, कई जगह पहले ये काफ़ी वारदातों में शामिल है, मर्डर, लूट, डकैती, बहुत सारे जो असंद के आसपास आए तो लगता है कि असंद में दोबारा फिर ऐसा कुछ उनकी मनसद वारदात के लिए यहाँ। तो ये थे हमारे साथ मोहनलाल जी और अभी अपने साथ शोभित को ले जाते हुए और असंद पुलिस को जो है सौंपा जाएगा और इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन जी और गांव पिंडर के पास तो उनके यहाँ जो असंध में डॉक्टर मीनाक्षी हॉस्पिटल में जो वारदात हुई है उसके में ये वांटेड थे जी। तो ये वही लोग हैं सर जिन्होंने गोलियां चलाई जी, ये लोग। तो कितने लोग थे सर रात को? रात को दोनों थे। दोनों थे। तो दोबारा फिर इसी एरिया में आना इसका मतलब कुछ ना कुछ और कुछ करो? इस बात से चूका नहीं जा सकता कि भाई आए तो कितना विवाद होते जी जी। तो अभी कहाँ ले जाएगा? ले जा रहे हैं अगले उपचार के लिए पीजीआई रोहतक। पीजीआई रोहतक ले जा रहे हैं। तो इनसे और भी छानबीन हुई है सर कुछ? बस अभी तो अभी इनको जब यहाँ से डिस्चार्ज होंगे तो अरेस्ट किया जाएगा, उसके बाद कैंपस से पूछताछ होगी। कहाँ कहाँ के रहने वाले सर ये लोग? ये एक है शोभित है हाथरस का है जी, और जो ये दूसरा लड़का है मोहित ये हाथ ये गंगानगर का है। तो गंगानगर में ये काफ़ी वांटेड है जी, दो तीन मर्डरों में और चार पाँच। दिलेर कोटिया जो नाम बता रहे हैं सर ये उनके इशारे पर चल रहा था? दिलेर कोटिया और कौशल गैंगस्टर के कौशल जो है पुलिस पैसे के लिए काम करते हैं सर ये। तो इनके ऊपर और भी केस हैं पहले? तो इससे हम SHO सिविल लाइन जो है जानकारी देते हुए लोगों को जो है यहाँ